दोस्तों, वैसे तो चीन किसी का भी सगा नहीं है। दुनिया के नजर में चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। लेकिन चीन को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान जिसे अपना दोस्त समझता है, वह दोस्ती केवल छलावा है। वैसे भारत के लोगों का यही मानना है कि बेईमान चीन की दोस्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारिक मुद्दों पर चीन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारत और उत्तर कोरिया के प्रति ईमानदार है। दरअसल हाल ही में बुलंबर्ग की प्रसिद्ध मैगनीज बिजनेस वीक में ये दावा किया गया है कि चीन ने भारत में निवेश करने के लिए जो ईमानदारी दिखाई है, वो ईमानदारी पाकिस्तान के साथ नहीं दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर यानी कि CPEC पाकिस्तान की बंदरगाहों पर चीन ने जो भी निवेश किया है, इसी निवेश के रूप में चीन ने पाकिस्तान के साथ ईमानदारी दिखाई है। लेकिन इस परियोजना के अलावा चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है, जबकि इसके उल्ट चीन की कंपनियों ने भारत में 100% अपना निवेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल केवल ट्रांसपोर्ट के लिए ही करना चाहता है, जबकि चीन शुद्ध निवेश केवल भारत में कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक CPEC को छोड़ दिया जाए तो चीन ने पाकिस्तान में $1 अरब का भी निवेश नहीं किया है, जबकि इसके उल्ट चीन ने भारत में $28 अरब का निवेश किया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिला है। इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि चीन ने पाकिस्तान में ऐसा कोई निवेश नहीं किया है जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा हो। चीन पाकिस्तान को सदा दोस्ती का झुंझुना दिखाकर बस मोहरा बनाए हुए है। यूनाइटेड नेशन भारत के खिलाफ खड़ा होने वाला चीन भारत के साथ अब ईमानदारी से निवेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को कर्ज तले दबा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।